सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद साउथ अफ्रीका की कारवा हुआ समाप्त, जहां पर वो दूसरे नंबर पायदान पे ख़त्म किया था ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में, और यहां पर वो पहुंचने के बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिल गई उनको हार, और वहीं पर जाकर उनका सफ़र हुआ समाप्त। टेम्बा उमा कप्तान इनके थे और इन्होंने मुकाबला भी जीता था, ज़्यादा भारत के नीचे उनका स्थान उन्होंने ग्रहण कर रखा था। जहाँ पर आपको बताएं तो आपका उनका जो मुकाबले से शुरू करेंगे, दिल्ली में उन्होंने मुकाबला खेला श्रीलंका के सामने, साउथ अफ्रीका श्रीलंका का हुआ मुकाबला, तो साउथ अफ्रीका ने 102 रन से जीता। यही एक टीम नज़र आई जिन्होंने 300 से ऊपर बहुत बार स्कोर बनाई, 400 से ऊपर भी दो तीन बार उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया, एक दो बार पहले ही मुकाबले में उन्होंने 400 से ऊपर का आंकड़ा को छुआ था। दूसरे मुकाबले में भी 311 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को 177 पे सिमटती नजर आई थी। नीदरलैंड के सामने ज़रूर मिली थी हार जब उनको सेकेंड बल्लेबाजी करना पड़ा, तो नीदरलैंड वो मुकाबला हल्का सा शॉर्ट भी हुआ था, और साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के सामने 399 रन बना दिए थे, और फिर साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के सामने 382 रन बनाए। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मुकाबले के अंदर चेस का वहाँ पर एक विकेट से नॉर्थ चेस में जीता साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, वहाँ पर 357 का आंकड़ा को छुआ, जहाँ न्यूजीलैंड को 167 पे समटती नजर आई। भारत के सामने 83 पर समटती नजर आई जब, जो कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 326 रन का आंकड़ा को छुआ कलकत्ता के ईडन गार्डन्स मैदान में, 243 रन से थमाई हार। अहमदाबाद के मैदान में जब अपना आखिरी मुकाबला खेला ग्रुप स्टेज का अफगानिस्तान के सामने, 5 विकेट से वहाँ जीत दर्ज किया, जहाँ पर साउथ अफ्रीका ने चेस किया था वो मुकाबले को, 247 रन बनाए चेस में, और सेमीफाइनल टू में कलकत्ता में हुआ सेकेंड वर्सेस थर्ड साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, 212 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए लड़ते झगड़ते, और ऑस्ट्रेलिया को उसके जवाब में 215 रन बना दिया। 47 ओवर तक डीप लेकर गए, लेकिन ये अभी भी एक राज है कि अभी तक नहीं जीता एक भी ख्वाब है, क्योंकि अभी तक विश्व कप ओडीआई विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया नहीं, तो उसका स्वाद अभी तक चखा नहीं। तो अभी ये अभी उनके लिए बाकी है ये कारवा आगे की, और जब आगे ये और विश्व कप जाएगा तो उसके अंदर ये देखने लायक सवाल उठता नजर आएगा क्या कर सकते हैं क्या, क्योंकि टीम के अंदर पोटेंशियल बहुत है और एक खेलती भी बहुत तगड़ा है। उम्मीद इनसे था, मुझको तो पर्सनली था कि ये यहाँ तक पहुँचेंगे, फाइनल में भी मुझे लगा था कि खेल पाएंगे, कुछ मुकाबले के बाद लगा था ये मुकाबले में अगर हल्की सी और अच्छी बल्लेबाजी की होती सेमीफाइनल में तो अच्छा और काम आगे की ओर जा सकता था। अभी आप देख रहे हैं क्रिकेट में तारे में, अगर आपको वीडियो चाहिए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।